दुर्ग के पटेल चौक पर बघेल आर्मी के युवाओं ने काला झंडा दिखाकर दुर्ग आगमन पर जताया विरोध। वहीं गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी अपनी गिरफ्तारी। बघेल आर्मी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने दुर्ग के पटेल चौक पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दुर्ग में आयोजित भाजपा के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को गो बैक के नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर बघेल आर्मी के अफसर कुरैशी मारूफ आलम अमन सागर ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से आह्वान करते हुए कहा कि संविधान की हत्या बंद करो और देश की बेटियों को न्याय दिलाओ। देश की अमन शांति और आपसी भाईचारा को ना बिगाड़ते हुए देश का विकास करें, जिसके लिए देश की जनता ने सत्ता में बिठाया है। इस अवसर पर बघेल आर्मी के युवाओं ने पटेल चौक से गांधी प्रतिमा तक अपना आक्रोश जताया। साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा में माल्यार्पण कर अपनी गिरफ्तारी दी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर जो आज अमित शाह जी का जो प्रोग्राम है, और मैं चाह रहा हूं कि इसका पुरजोर विरोध हो। और जिस प्रकार के केंद्र सरकार ने ईडी को और सरकारी संस्थाओं को जिस प्रकार का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसका बेरोजगारी, शिक्षा, अडानी, अंबानी, कोई भ्रष्टाचार की सीमा नहीं है। और हमारा जो प्रदेश है, भूपेश बघेल जी का जो सुंदर प्रदेश है, स्वर्ग जैसा प्रदेश है, इसको आग जलाने की कोशिश ना करें। जैसे कि चुनाव अभी आने वाला है, हमारा चुनाव सरगर्मी तेज हो गई है, जिसके कारण अब सारे भाजपा के अध्यक्ष हो चाहे गृह मंत्री हो, सारे तो आपको यहीं दिखेंगे। तो हम नहीं चाहते कि इतने अच्छे सुंदर प्रदेश को जलाया जाए और यहाँ पे अनिश्चितता फैलाई जाए। हम चाहते हैं कि यह काका के ही हाथ में रहे, और काका के जैसा हमारे भूपेश बघेल द्वारा चारों तरफ सर्वांगीण विकास हो रहा है, उस विकास को निरंतर जारी रहे। यह विरोध मोदी सरकार के उसमें है, जिस तरह से मोदी सरकार उद्योगपतियों के हित में काम कर रही है, आम आदमी को ना देखते हुए सीधा सीधा ईडी का दुरुपयोग कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे छत्तीसगढ़ में मोदी सरकार का छाव भी पड़े, क्योंकि हमारा सर जो छत्तीसगढ़ है अभी बहुत शालीनता से चल रहा है। हमारे से भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम नहीं चाहते कि अमित शाह आके या मोदी सरकार की कोई भी सरकार के लोग आके यहाँ अशांति फैलाए। देखिए, आज इस तरह का विरोध है कि हमारा प्रदेश शांति का दूत है, ठीक, इस प्रदेश में शांति फैलेगी। जिस तरीके से अमित शाह जी आ रहे हैं यहाँ पर, गृहमंत्री देश के, अपना देश संभल नहीं रहा है, ना मणिपुर जल रहा है, जहाँ जाए वहाँ पर देखिए आप किस तरह का माहौल है। हम नहीं चाहते कि हमारे प्रदेश का माहौल खराब हो, हम चाहते हैं हमारे प्रदेश का माहौल में शांति, ये सब चीज़ रहे। हम लोग चाहते हैं कि वो हमारे प्रदेश में ना आए, बीजेपी की जरूरत नहीं है प्रदेश में हमारे। हमारा प्रदेश उग्र रहेगा और हम पुरजोर से विरोध करेंगे। काला झंडा दिखाया जा रहा है कि आप वापस जाइए, गो बैक अमित शाह, गो बैक अमित शाह। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस की सरकार काबिज है, और अमित शाह के आगमन से आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ता है, यह देखना लाजमी होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।